प्लीज प्लीज अपने बड़े पापा को नाराज मत करो, प्लीज इनके साथ चले जाओ। मैं तुम्हें दो हिस्सों में बढ़ते हुए नहीं देख सकती, प्लीज मेरे लिए। आप खड़े खड़े देखते रहेंगे या इस लड़की के खिलाफ कुछ एक्शन भी लेंगे? मैम मैं माफी चाहता हूँ जो कुछ हुआ उसके लिए, लेकिन अगर ये बात बाहर गई तो हॉस्पिटल की बहुत बदनामी होगी मैम। डॉक्टर साहब हमारे बेटे को छुट्टी दे दीजिए, हम इसे घर ले जाना चाहते हैं। देखिए अब ये पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। देखिए लखनऊ में भी बहुत अच्छे अच्छे अस्पताल हैं, हम वहां ले जाकर इसका अच्छे से इलाज करवा लेंगे। बस आप इसे छुट्टी दे दीजिए, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अब हमें जाने दीजिए। ठीक है आप इन्हें ले जा सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पे, और आपको इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से कोई एक आ जाइए, डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। जी हम आते हैं। ओके गुनगुन, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तो तुम्हारा भी यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। मेरी फिक्र मत करो बेटा, कैसे ना करें। हाँ चलो तुम भी हमारे साथ चल। भैया डिस्चार्ज पेपर पे साइन कर दिए और पेमेंट भी कर दिए, अब हम जा सकते हैं। ठीक है सब चलो। भैया आप लोग जाइए, हम बाद में आएंगे। तुम इस लड़की के लिए रुकना चाहते हो? जी भैया हम गुनगुन को अकेले नहीं छोड़ सकते। तुम प्लीज अपना ख्याल रखना और दवाई टाइम पे लेना। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता गुनगुन। तुम ठीक तो हो जाओ, मैं आऊंगी तुमसे मिलने। सोचना भी मत, अगर तुम अनु से मिली तो हमारी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। चलो बेटा। मैं और अंकित गोलू चाचा के साथ आएंगे। ठीक हो दीदी? भैया आपने ये तो कह दिया कि प्यार में छुप छुप के मिलने का मजा है, ये क्यों नहीं कहा कि मजा सजा भी बन सकता है? आप पकड़ी गई क्या? चाचू मैं कल इन्हीं के घर रुकी थी और इनकी मम्मी ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। थैंक यू बेटा, जो काम हमें करना चाहिए था वो तुमने किया। अनु भैया कहाँ है? उसे
फैमिली वाले डिस्चार्ज करा के लखनऊ ले गए वापस। लेकिन आप क्यों नहीं गई उनके साथ? नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि बड़े पापा ने कहा है कि अगर मैं अनुभव को मिलूंगी तो उनकी मौत का कारण मैं होंगी। ये सब खोखली धमकियां हैं दीदी। नहीं भैया, मैं बड़े पापा को अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो वो ऐसा कर भी सकते हैं। अगर बड़े पापा को कुछ हो गया तो मैं और अनुभव अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। इसीलिए अनुभव उनके साथ गया, वरना वो पूरी दुनिया से लड़ जाता मेरे लिए। प्यार और फर्ज में अनुभव ने फर्ज को चुना और मुझे मेरे अनुभव पे गर्व है। लेकिन अब आप क्या करेंगी? मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी, पर इतना पता है कि अब मैं अनुभव से कभी नहीं मिलूंगी। लेकिन दीदी, जानती हूं मैं, फैसला लेना जितना मुश्किल था, फैसले पे टिके रहना और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। पर मैं लड़ूंगी, दुनिया से ज्यादा अपने आप से लड़ना पड़ेगा, पर मैं लड़ूंगी और अपना फैसला नहीं बदलूंगी। दिव्या, नीति, अरे जल्दी आओ, अनु आ गया। चलो भैया। भैया ना मिठो, ना झुक मत, टांका खुल जाएगा ना। वेलकम होम भैया। तुम ठीक हो ना बेटा? अनु बेटा, हमारा बस चलता ना तो उन टेररिस्ट की तो हम चटनी बना देते। जा खुशी, जाकर मिर्ची लेकर नजर उतारेंगे। बड़ी माँ, जाके आग लगा दे। अच्छा बेटा, रुकिए गोली दीदी, पहले अन्नू की आरती तो कर लेने दीजिए। लीजिए भाभी। राज्य हर बना से बचाए बिठुआ। अन्नू बेटा, तेरे हिस्से का हर दुख हमें मिल जाए और हमारा हर सुख तुझे मिले। हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए बेटा। बिटुआ, तो अगवा होने का खबर सुना ना, जान निकल गई थी। सत्यानाश उन लोगों का जिन्होंने मार पिटवा का ये हाल कर दिया। जिस दिन ये सब तुम्हारे बिना घर लौटे ना बेटा, उस दिन से इस घर में किसी ने खाना नहीं खाया ठीक से, ना कोई सो। हम तो भगवान जी से दिन रात यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें उठा ले,
लेकिन हमारे बेटे को कुछ ना हो। रोते नहीं माँ, मैं आ गया ना। अब हम तुम्हें लखनऊ के बाहर कभी कभी कहीं नहीं जाने देंगे, समझ गया ना तू? अरे तो क्या जवान बेटे को हमेशा अपने पल्लू से बांध के रखोगी? पल्लू से तो कहा, हमारा बस चले ना रस्सी से बांध कर रखे, कहीं नहीं जाने देंगे हमारे बिट्टुआ को। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सुनंदा जी, अब हमारा अन्नू कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा अपने परिवार के साथ हमेशा। क्योंकि परिवार आखिर परिवार ही होगा और परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। कभी कभी इत्तेफाक से स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।